मतलब भाई साहब, लास्ट टाइम जब हम आए थे, बरसात का मौसम नहीं था, मतलब बारिश वगैरह होती नहीं थी, तो मतलब उतना दिख नहीं रहा था भाई। लेकिन बट क्या बताऊँ, आप ही देखो यार। डर भी लग रहा है, डरे डरे यहाँ पर देखने में डेंजर भी लग रहा है, डर भी लग रहा है। क्या ही बताऊं भाई, क्या ही बताऊं आपको। और यहाँ पर देख सकते हो छोटी सी दुकान है, काफी बढ़िया, काफी अच्छा नजारा देखने को मिल रहा है भाई। एक्सेलेंट थिंग भाई, आज का दिन तो बन गया भाई, आज का दिन तो बन गया। बस घूमते घूमते आए, आज का दिन बन गया मेरा। चाय वगैरह पियेंगे अगर होगी तो। चाय है भैया? चाय है तो भाई से भी बात करते हैं अभी। यहाँ पर आप कितने साल से हो यहाँ पे? दो साल हो गए। अच्छा, बेसिकली आपका गांव कौन सा है यहाँ पर? प्रॉपर शास्त्रकुंड है। अच्छा, यहीं पे तो आप काफी एक टाइम से देख रहे हो ये यहाँ पे? हाँ ना, मतलब ये जो वाटरफॉल, मतलब जो झरना है, इसके इसके बारे में कुछ बताओ। मतलब ये साल के 12 महीने तो इसे बहता नहीं, जब लास्ट टाइम आया था इतना सूखा सूखा था, तो अंतर क्या होता है जब बारिश के दिनों में और जैसे धुपकाला हो गया या कोई दूसरा सीजन हो गया, अंतर क्या होता है दोनों में? अंतर कुछ भी नहीं, जब बारिश होती है ऊपर से समझो जी, हाँ, अपना मार्च एंडिंग को ये पानी खत्म हो जाए, जो वाटर फॉल चल रहा है तो ये फॉल खत्म बंद हो जाएगा, जो ये नीचे का पानी है ये जैसा का वैसा रहेगा। हाँ, तो फॉल चल रहा है ना ऊपर से अभी, वो पूरा बंद हो जाएगा। अच्छा, मतलब बरसात के मौसम में? बरसात के मौसम में सिर्फ फॉल चल रहा है, वाटरफॉल चल रहा है, उसके बाद बंद हो जाएगा। अच्छा, और एक यहाँ पे काफी इतना बड़ा जंगल भी है आसपास में, जंगली जानवर का डर होता है यहाँ पे? है, कन्फर्म है यहाँ पे जंगली जानवर का भी डर है। टाइगर 2 दिन पहले यहाँ पर दिखाई दिया एक आदमी को, उसके साथ दो पिल्ले थे छोटे छोटे टाइगर के। तो यूजुअली जैसे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का कहना था, जैसे हमने बात किया था, मतलब वो लोग टाइगर रिजर्व करके छोड़े हुए हैं यहाँ पर, और वो टाइगर अपनी आबादी बढ़ा रहा है और बढ़नी भी चाहिए, क्योंकि बहुत ही कम बचे हैं इंडिया में। जो हमारा नेशनल एनिमल है टाइगर, वो धीरे धीरे कम हो रहा है। बट ये चीज भी सही सुनने को मिली कि उनकी आबादी भी बढ़ रही है और यहाँ पर जंगल काफी बड़ा है, तो यूजुअली खतरा होता है यहाँ के लोगों को। हाँ, समझो अपन जंगल में गए, खेतीबाड़ी के लोग, जो साइड में खेतीबाड़ी है अभी समझो, वहाँ पर ये 2 साल पहले बहुत परेशानी हुई हमको। अच्छा। 2 साल पहले और गए साल भी एक दो हमारे गांव के जानवरों को भी, जानवर भी घायल हो, फिर घायल हो। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वालों का कोई है मतलब? नहीं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले क्या कहते हैं कि जब तुम आप जंगल में आते हो और आपको जंगल में कुछ हानि हो जाती है, तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। ये बात बिल्कुल सही है, जंगल है जानवर के लिए और गांव है शहर है हमारे लिए, तो ये सब तो चलता रहेगा। मतलब देखो, प्रकृति का नियम है, तो जो जंगल है उसका तो राजा शेर ही होगा, उनका नहीं होगा। तो हमें वहां नहीं जाना चाहिए, और कोशिश ये करना है कि उन्हें यहाँ नहीं आना देना चाहिए। पता है आपको, जानवर भी जंगल छोड़कर गांव शहर में क्यों घुसते हैं? जब उन्हें खाने को नहीं मिलता, जब आप ये पर्यावरण, मतलब ये जो पेड़ वगैरह जो काट रहे हैं, इससे भी नुकसान जानवर को पड़ता है। बस यही रीजन होता है कि जानवर अपना जंगल छोड़कर अपना मतलब गाँव में शहर में घुसते हैं। बट यही है, आप वहां मत जाओ, वो यहाँ नहीं आएगी। सही बात है, सही बात है। तो जो भी व्यू लेना है हमारे जैसा, बार बार से देख के आ जाना है, अंदर नहीं जाना है जंगल के। तो भाई की आज की गर्मा गर्म बढ़िया चाय पीते हैं। पानी का बहाव जो रफ्तार से जा रहा है भाई, देख के अंदाजा लगा सकते हैं, मतलब काफी बारिश हुई है यहाँ पे, मतलब सराउंडिंग एरिया में। जैसे हम भी देख रहे थे 3 दिन से लगातार बारिश हो रही है आसपास यहाँ पर। तो भाई देखो, क्या ही बताओ भाई, पानी की आवाज से ही डर लग रहा है। भाई मौसम जबरदस्त है भाई, टेस्ट मजा आ गया।
मतलब छोटी सी दुकान है बट सही जगह पे, एकदम सही जगह पे। हम मस्त लग रहा है यहाँ पे, एक तरफ व्यू का मज़ा ले रहे हैं, एक तरफ गरम गरम ब्रेड पकौड़ी और गरम गरम मिर्ची भजिया खा रहे हैं हम लोग, मज़ा आ रहा है। वहाँ से जाने को रास्ता है लग रहा है सर देखो, बट यहाँ से मज़ा आ रहा है भाई। वहाँ पे भाई साहब ऑसम मज़ा आ रहा है, बस व्यू का मजा ले रहे हैं और इसके भी कुछ क्लिप्स डालूंगा। यहाँ पे बंदर है बहुत है, लंगूर, मजा आ रहा है भाई, कितनी ऑसम। इसके भी क्लिप्स कुछ डालेंगे, कोशिश करेंगे डालने की। मतलब यहाँ पे पीसी लैपटॉप वगैरह कुछ नहीं है तो निकालने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, बट कोशिश करेंगे कल तक डालने की, शायद हो जाए। अंदर जाते हैं एक बार, वहां पे जाके कुछ बनाने की कोशिश करते हैं। हर चीज एकदम खूबसूरत है, बस चल रहे हैं ऐसे ही। मतलब इतना सारा पानी है, मतलब बहुत काफी बढ़िया अच्छा लग रहा है यहाँ। जैसे ही हम लोग नजदीक आते जाएंगे वैसे भाई साहब खलकल 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 हो रहा है, बेस्ट थिंग यार, बहुत बढ़िया जगह है, सच बताऊं सच में बहुत बढ़िया है। एंजॉय कर रहे हैं हम लोग, क्या वियान भाई एंजॉय हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है कि नहीं? यस गाइस, इतना अंदर आ रहे हैं भाई, इतना अजब नजारा देखने को मिल रहा है भाई, सच बोल रहा हूँ, मजाक नहीं सकते, एक्सट्रीम लेवल, बहुत मजा आ रहा है भाई। गाइस फाइनली टाइम टू से गुड बाय, बाय बाय टू सहस्त्रकुंड। बस हम लोग निकल ही रहे हैं यहाँ से अभी, तो काफ़ी एंजॉय किया यहाँ पे। अब धीरे धीरे अंधेरा होने लगा है, अभी पुलिस वाले भी आए थे यहाँ पे, बस बोल रहे थे कि अंधेरा होने से पहले यहाँ से चले जाना ठीक रहेगा, क्योंकि देख सकते हैं काफ़ी बड़ा जंगल है सराउंडिंग में, तो वो एक भी कारण है। तो मज़ा आया गाइस, बहुत मज़ा आया। वैसे जाने का मन नहीं कर रहा है यहाँ से, बट हम लोगों ने देर कर दी आने में, क्योंकि जो लोग जिस रास्ते से आए थे सोचा नहीं था वो रास्ता इतना मतलब ख़राब निकलेगा, मज़ा आ गया। उसे गुड बाय टू दिस ब्यूटीफुल प्लेस, बाय, मज़ा आ गया भाई, गर्मे बहुत प्यारे थे और यहाँ पे इतनी अच्छी व्यवस्था है बैठने के लिए, लोग पिकनिक भी मनाने आते हैं यहाँ पर। तो बस निकल रहे हैं वापस घर के लिए, चलो चलते, आज का दिन तो बहुत हंगामा हो गया और ब्लॉग थोड़ा लंबा जाएगा, प्लीज़ पेशेंस के साथ देखना, ये नहीं सुधरने वाला। पर जाते वक्त वहीं पे रुके जहाँ पर पहले रुके थे, टाइगर रिजर्व है यहाँ पर, मतलब शेर है यहाँ पर, अंदर कहीं ना कहीं होगा। हम बल्कि पूरा उसके साथ में उतरे हैं, सेफ्टी के साथ में, कार एकदम पास में, जैसे ही कुछ होगा दौड़ के फिर वापस बैठ जाएंगे उसमें। तो देख सकते हैं जहाँ से गाड़ी की आवाज़ है, वैसे भाई लोग टू व्हीलर पे भी घूम रहे हैं भाई, सर में गट्स होना चाहिए। आकाश भाई नाच रहा है, सच में भाई मन को इतनी शांति मिल रही है ना जंगल में। बट एक बात बताऊं, डर भी है, वैसे मैं काफी दूर आ चुका हूँ उन लोगों से, बट थोड़ा सा डर भी लग रहा है।
क्योंकि देखो भाई कितना घना जंगल है, कितना घना है। बहुत घना जंगल है। और ये हमारे गज्जू भाई जंगल में बस इन्हीं के सहारे आ गए। हम यही लेके जा रहे हैं जंगल में, हमको कुछ होगा तो ये शेर से लड़ लेंगे। ये बाप रे बाप, मेरा फोटो कैसे निकल रहा है। शेर से लड़ लेंगे ये, मतलब ये इन्हें काफी कुछ पता है जंगल के बारे में, इसलिए इनको साथ में लेकर घूम रहे हैं हम। तो बस निकल रहे हैं जंगल से, धीरे धीरे गांव की तरफ बढ़ेंगे। हम लोग है डीर फॉरेस्ट, यहाँ पर हिरन वगैरह होते हैं ज्यादा, और ये प्यारी खेती है यहाँ पर। देखो एक तरफ खेती है और दूसरी तरफ वही घना जंगल, घना जंगल। हमारे गज्जू भाई मेरे पीछे पीछे रह रहे हैं। हाँ ये मतलब अकेले जाने नहीं दे रहे कहीं भी, क्योंकि उन्हें पता है सब कुछ। हाँ क्या है, बुलेट फॉक्स, लोमड़ी 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 है कहते, कहाँ है आवाज, कोई जंगल है। भाई आवाज तो आ रही है। हाँ आवाज तो आ रही है भाई सच में। मतलब देखो जैसे जैसे शाम हो रही है वैसे वैसे खतरा भी बढ़ते जा रहा है यहाँ पर। कोशिश ये कर रहे हैं कि जल्द से जल्द निकल जाए, और लगभग एक घंटा लगेगा यहाँ से बाहर निकलने के लिए। औसम जगह है भाई, एकदम औसम, बहुत औसम जगह है। अच्छा लग रहा है यार एडवेंचर करते कर, मतलब अच्छा लग रहा है यार घूमते घूमते, घूम रहे हैं बस ऐसे ही। मतलब देखो हम रहते हैं हैदराबाद सिटी में, हम रहते हैं हैदराबाद सिटी में, और सिटी में शोर शराबा होता है हर जगह पर, मतलब ट्रैफिक वगैरह जाम होती है, सब होती है। यहाँ पे आएंगे एकदम, यहाँ पे आने के बाद में महसूस हो रहा है कि शांति कितनी बड़ी है, मतलब शांति कितनी बड़ी चीज है, मतलब सच में दिल के अंदर तक एक ठंडक पहुंचती है, मतलब ऐसे वातावरण में रहने में हर चीज अच्छा है यार। पेड़ भी काफी कितने बड़े हैं, सागवान के पेड़ तो इतने सारे हैं यहाँ, इसी की लकड़ी से दरवाजे वगैरह बनते हैं। गाड़ी स्टार्ट हो गई, जाके बैठना पड़ेगा, काफी कुछ घूम रही है, लोकेशन भी काफी कुछ डेंजर नजर आ रहा है। यहाँ पे लोमड़ी की आवाज आ रही है, पता नहीं कहाँ होगी अंदर।